ब्रेस्ट इम्प्लांट आखिर होता क्या है, ब्रेस्ट इम्प्लांट या ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन किन के लिए होता है, एक कंसल्टेशन में क्या चीज़ पूछनी चाहिए एक डॉक्टर से, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। सो ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी जो की जाती है वो ब्रेस्ट के साइज को एनहांस करने के लिए, ब्रेस्ट के साइज को ऑगमेंट करने के लिए, यानी कि ब्रेस्ट के साइज को इंक्रीज करने के लिए की जाती है। सो दिस इज अ ब्रेस्ट इम्प्लांट। ये सिलिकन का यूजुअली आज की डेट में जो यूज होता है सिलिकन का इम्प्लांट है। तो दिस इज समथिंग विच इज इंट्रोड्यूस्ड जो आपकी बॉडी में या आपके ब्रेस्ट के नीचे डाला जाता है जिससे कि आपकी ब्रेस्ट की जो साइज है वो इंक्रीज की जाती है। इसे बूब जॉब के नाम से बहुत कॉमनली बोला जाता है। इसका साइंटिफिक नेम ऑगमेंटेशन मैमोप्लास्टी होता है। सिलिकन ब्रेस्ट इम्प्लांट्स के जो मेजर एडवांटेज है कि हम जितना इम्प्लांट का वॉल्यूम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि हम अगर 200, 300, 400 सीसी का जितने का इम्प्लांट डालते हैं, एक्चुअली उतना ही ब्रेस्ट का साइज इम्प्रूव होता है। इससे आपको एक फुलर ब्रेस्ट मिलती है। जिन फीमेल्स के अपर पोल में एम्प्टीनेस आ जाती है उनके लिए बहुत अच्छा प्रोसीजर है। कई लोगों में बाय बर्थ या जेनेटिकली आपके ब्रेस्ट साइज जो होते हैं वो स्मॉलर साइज पे होते हैं, उनमें ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन बहुत कॉमनली किया जाता है। अगर ब्रेस्ट थोड़ी सी ड्रूपी है, एंड माइंड करिए बहुत थोड़ी सी ड्रूपी ब्रेस्ट को भी आप लिफ्ट कर सकते हैं ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के थ्रू। सो इन शॉर्ट, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन बेटर लुकिंग ब्रेस्ट बनाता है, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करता है, सेल्फ इमेज को इम्प्रूव करता है। एक आइडियल कैंडिडेट ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन की वो फीमेल है जो 18 ईयर्स से बड़ी होनी चाहिए, जो अदरवाइज हेल्दी होनी चाहिए, जिनके ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा सैग ना कर रहे हों, बहुत ज़्यादा ड्रूप ना कर रहे हों। ये एक आइडियल पेशेंट होंगी अगर उनकी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक है। उन्हें इस प्रोसीजर को समझना चाहिए कि हम इस प्रोसीजर से क्या अचीव कर सकते हैं और क्या नहीं। एक प्लास्टिक सर्जन से कंसल्ट करना चाहिए। जब भी आप एक प्लास्टिक सर्जन के पास कंसल्टेशन के लिए जाती हैं तो जो चीज़ें आप एक्सपेक्ट करेंगी उसमें डॉक्टर आपकी मेडिकल हिस्ट्री लेंगे कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है पहले से, आपको शुगर की, ब्लड प्रेशर की, थायराइड की या कोई और बीमारी तो नहीं है जिससे आपकी सर्जरी में कोई इशू है। आपकी फैमिली हिस्ट्री लेंगे कि आपकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर की टेंडेंसी तो नहीं है। उसके बाद आपको एग्जामिन किया जाएगा ओवरऑल, और आपकी ब्रेस्ट को इन पर्टिकुलर एग्जामिन किया जाएगा कि उसमें कोई गांठ वगैरह तो नहीं है, और उसके बाद आपसे डिस्कस किया जाएगा ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी से जो रिलेटेड टेक्निकल डिटेल्स हैं उनके बारे में, और ये डिसाइड करें कि कौन से साइज़ का इम्प्लांट आपके लिए बेटर रहेगा। क्या आप जो सोच रहे हैं क्या उतना ऑगमेंटेशन आप या उतनी इंक्रीज आप अचीव कर पाएंगे या नहीं। यदि आप स्पेसिफिकली क्लीवेज के लिए इम्प्लांट डलवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए कौन सा प्लेन अच्छा रहेगा। इन सब चीज़ों के बारे में हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें ब्रेस्ट इम्प्लांट की सर्जरी और उसके टेक्निकल डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। सो बहुत कॉमनली पेशेंट्स मुझसे पूछती हैं जो अनमैरिड फीमेल्स हैं या जिनका अभी बेबी नहीं हुए हैं कि यदि हम बाद में बेबीज करते हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग में इशू तो नहीं आएगा। सो मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि ब्रेस्ट इम्प्लांट जो है ब्रेस्ट के नीचे डाला जाता है, इसकी वजह से कभी भी ब्रेस्ट फीडिंग में कोई इशू नहीं आता है। ये ब्रेस्ट के नीचे डाल रहा है तो आपकी ब्रेस्ट को टच नहीं कर रहे हैं, ब्रेस्ट को खराब नहीं हो रही है। दूसरा बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि पेन कितना होता है इस सर्जरी में। सो एक सर्जरी है और सर्जरी में कुछ ना कुछ पेन जरूर होता है। पेन फ्री सर्जरी नहीं बोलूंगा इसे। एक छोटे से कट के थ्रू अराउंड 5 सेंटीमीटर, 4 to 5 सेंटीमीटर बड़ा कट होता है जिसके थ्रू इम्प्लांट आपके मसल के नीचे या ब्रेस्ट के नीचे डाल दिया जाता है। शुरू के 2 से 3 दिन डिस्कम्फर्ट होती है जिसके लिए आपको पेन किलर्स लेने पड़ते हैं, बट उसके बाद काफी कंफर्टेबल होता है एंड बाई द एंड ऑफ 1 वीक आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज सारी रिज्यूम कर सकती हैं। तो यह स्कार आएगा बट बहुत फाइन लाइन होती है, बहुत अच्छा स्कार बनता है जो कि आफ्टर अबाउट 3 to 6 months अप्रिशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। रिकवरी जो प्रोसेस है ब्रेस्ट इम्प्लांट का, तो सर्जरी के सेम डे आपकी छुट्टी हो जाती है। इट्स अ 1 day प्रोसीजर, 1 घंटे की सर्जरी है। उसके बाद 5 to 6 hours आप अंडर ऑब्जर्वेशन रहते हैं हॉस्पिटल में। इसके बाद आपका डिस्चार्ज मिल जाता है। आपको 1-2 दिन आप थोड़ा रेस्ट कर सकती हैं। अदर देन दैट एक हैवीनेस सी फील होती है, बट यू गेट यूज टू इट विद इन 10 to 15 days। अदरवाइज अ वेरी सेफ प्रोसीजर। दैट इज़ वाई ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली परफॉर्म एस्थेटिक सर्जरीज है जो फीमेल्स करवा रही हैं। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव इंट्रोड्यूस्ड और जो हम आजकल बहुत फ्रीक्वेंटली अपने पेशेंट्स में कर रहे हैं, उसमें हम इम्प्लांट के साथ फैट ग्राफ्टिंग को कम्बाइन करते हैं। इम्प्लांट ब्रेस्ट के नीचे डाला जाता है बट क्लीवेज को इम्प्रूव करने के लिए जो मीडियल और अपर पोर्शन है ब्रेस्ट का, उसमें हम आपकी टमी से फैट एक्सट्रैक्ट करके फैट
ग्राफ्ट भी डाल देते हैं ताकि जो अपर पोल ब्रेस्ट का जो कि लैक्टेशन के बाद काफ़ी रिड्यूस हो जाता है वो भी एनहांस हो जाता है। इम्प्लांट रिलेटेड सर्जरी और इम्प्लांट रिलेटेड डिटेल्स के बारे में कि इम्प्लांट्स कौन सा चूज़ करना चाहिए, सिलिकन बेटर है या सलाइन, शेप कौन सी चूज़ करनी चाहिए, कौन से एरिया का क्या फ़ायदा है जिसके थ्रू इम्प्लांट रिड्यूस करें, उससे रिलेटेड हम एक नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं। उसको देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप कुछ स्पेसिफिक चीज़ जानना चाहते हैं ब्रेस्ट इम्प्लांट से रिलेटेड तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू।